तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में लॉफ्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टॉप व्यू में एक स्केच ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे मैं इसे चलिए डायमेंशंस दे देता हूँ। डायमेंशंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आपने यहाँ पे एक प्लेन ऑफसेट करना है। तो मास्टर कैम में प्लेन ऑफसेट के लिए आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे आपने जेड की जो वैल्यू फिल है वो यहाँ पे कर लेनी है। तो जितने डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे प्लेन को ऑफसेट करना है उतना डिस्टेंस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ कर लेना है। तो स्केच के लिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया है और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया है। सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इस रेक्टेंगल की डायमेंशन फिल कर लेनी है। वैल्यू फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों स्केच जो है अलग अलग प्लेन्स पे ड्रॉ हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है। यहाँ पे आपने लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटूर वन को सिलेक्ट कर लेना है। कंटूर वन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कंटूर टू को भी सिलेक्ट कर लेना है। दोनों कंटूर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पे क्रिएट बॉडी की ऑप्शन को सिलेक्ट करके टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो लॉफ्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है ऐड बॉस। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे टॉप व्यू में चला जाऊँगा और यहाँ पे एक और प्लेन ऑफसेट ले लूँगा। ऑफसेट करने के बाद मैं वहाँ पे एक और स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ प्लेन ऑफसेट करके। स्केच ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लूँगा और उसे डायमेंशंस दे दूँगा। डायमेंशंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है और यहाँ पे लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चेन सिलेक्शन करके जो टॉप वाला कंटूर है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कंटूर वन में, और कंटूर टू में आपने टॉप वाला जो कंटूर है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर आप क्रिएट बॉडी की ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपका ये एरर मार जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड बॉस की ऑप्शन चूज करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ऐड बॉस की ऑप्शन को चूज कर लूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैंने टिक के बटन पे क्लिक किया है आपका जो लॉफ्ट कमांड है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे ऐड बॉस की ऑप्शन सेलेक्ट करके टिक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो लॉफ्ट कमांड है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये थी ऐड बॉस कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है कट बॉडी। तो इसके लिए आपको इसके टॉप फेस में और यहाँ पे बॉटम फेस पे एक एक स्केच ड्रॉ करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके टॉप फेस पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो स्केच में मैं रेक्टेंगल चूज करूंगा और इसके टॉप फेस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना, कमांड से बाहर आ जाना है। तो अब मैं इसके बॉटम फेस पे एक स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ। तो स्केच के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल चूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो प्लेन है उसे 0-0 कर लेता हूँ ताकि जो इसका प्लेन है वो यहाँ पे 0-0 हो जाए। तो 0-0 करने के बाद आपने यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने लगा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे इसकी डायमेंशंस फिल कर लेनी है। डायमेंशंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए हमारे जो टॉप फेस और बॉटम फेस पे एक एक जो स्केच है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे सॉलिड्स में चले जाना है और यहाँ पे लॉफ्ट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पे चेन सिलेक्शन करके कंटूर वन और कंटूर टू दोनों को सिलेक्ट कर लेना है बारी बारी से। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपने यहाँ पे कट बॉडी की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो बॉडी है उस पर कट बॉडी कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा जो पीस है वो अंदर से लॉफ्ट कट हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।